मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो इससे पहले जो आपकी वीडियो आई थी वो आई थी बीबीटी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल टू क्रिएट ए न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। दिस इंटरलेसिंग टिपिकल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विथ कम्प्लीटली डिफरेंस एनर्जीज सेव एंड सो ऑन। क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइनिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल टू क्रिएट ए न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है तो उनके मिक्सिंग होने के बाद एक जो नया टाइप का ऑर्बिटल बनता है उसको क्या कहते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। दैट ऑर्बिटल ही नोन एज हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल को क्या कहते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ओके, और दिस इंटरमिक्सिंग टिपिकल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और बने हुए ऑर्बिटल को कौन सा ऑर्बिटल कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। आज हम आपको सिर्फ रूल्स बता रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के। जब आप हाइब्रिडाइजेशन के रूल को क्लियर कर पाएंगे समझ पाएंगे तो आप हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को इजीली समझ लेंगे। द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी होती है इन कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। With energy save and so on. Energy save और का सब कुछ क्या होता है different होता है। Hybridization is primarily carried out by the atomic orbital of the same energy level. Hybridization के लिए जो rule है, hybridization की जो process होती है, उस process के according hybridization is primarily carried out the atomic orbital of the same energy. जब तो atomic orbital जो same energy के तो atomic orbital है, same energy का मतलब क्या है? 1s to 1s, 1s का 1p के साथ, तो 1s तो 1s होता है। 1s के बाद क्या होता है 2s होता है, 1p नहीं होता। तो यानी कि 1s ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब हो गया कि 1s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। 2s2 2p6 ठीक है, 2s के 2p के साथ, 3s2 3p6 3d, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। तो इनके बीच में ये याद रखना है कि 2s का 3d के साथ, 3s का 2s के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस होती है एटॉमिक ऑर्बिटल इन द सेम एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होती है सेम एनर्जी। हाउएवर बोथ फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस एंड देयर एनर्जीज आर इक्वल। और इस प्रोसेस में फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड मोस्टली जो होता है फुली फिल्ड हाफ फिल्ड पार्टिसिपेट करता है, लेकिन कई केसेस एक्सेप्शनल केसेस या कई दूसरी थ्योरीज हाइब्रिडाइजेशन के अलावा नई थ्योरीज भी होती है जिसे हम कहते हैं बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, BSEPRT थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में बोथ फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस एंड दीज एनर्जीज आर इक्वल। और उसके बाद उनकी एनर्जीज क्या होती है लगभग क्या होती है इक्वल होती है। तो सिंपली कंक्लूजन ये निकला हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल विद हैविंग ए सेम एनर्जी। टू एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है सेम होती है एंड आफ्टर मिक्सिंग दे प्रोड्यूस द न्यू ऑर्बिटल दैट इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है जो बनता है वो कैसे होता है मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी विद फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। सेम एनर्जी के साथ साथ ऑर्बिटल क्या होने चाहिए उनके, या तो फुली फिल्ड होने चाहिए या क्या होने चाहिए हाफ फिल्ड होने चाहिए। ओके, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस डेफिनेशन पढ़ने के बाद आप ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट होता है किस किस मेन चीजों पर डिपेंडेंट होता है, कौन कौन सी चीजें इस पर डिपेंड होती है। जैसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन एग्जिस्टेंस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस पर डिपेंड करता है बीबीटी। मैंने आपको क्या बोला इससे पहले, मैंने आपको बीबीटी पढ़ाई थी, बीबीटी में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि किस तरह से दो ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है और किस तरह से वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए इससे पहले वाली वीडियो को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा या पहले वाली वीडियो को पूरे क्लियरली समझना पड़ेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड एनर्जीज एंड बॉन्ड लेंथ। जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या किस तरह से कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, क्योंकि ऑल थिंग्स आर डिपेंडेंट अपॉन द कोवलेंट बॉन्डिंग। ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है, कोवलेंट बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है। जब तक आप कोवलेंट बॉन्ड के बारे में नहीं समझेंगे आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियर नहीं होगी। एंड देन व्हेन यू अंडरस्टैंड द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देन आफ्टर यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन की टॉपिक को इजीली समझ पाएंगे। सो बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल के बारे में आपको टोटल नॉलेज होनी चाहिए। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म ए हाइब्रिड ऑर्बिटल इन ए मॉलिक्यूल द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल इंडिविजुअल एटम इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू गिव्स ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। मैंने क्या कहा, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है और कॉम्बिनेशन होने के बाद जो ऑर्बिटल बनेगा वो कहेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जाएगा।
जाना जाएगा। द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल इंडिविजुअल एटम इज द रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड गिवन ऑर्बिटल इज इक्विवेलेंट एनर्जी, दिस इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। जब उनके ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी तो उस मिक्सिंग होने के साथ उनकी ऑर्बिटल की एनर्जी का भी रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो न्यू ऑर्बिटल बनेगा, यानी कि दो ऑर्बिटल की मिक्सिंग से, यानी कि सिंपल सी बात है बॉन्डिंग से, जो न्यू रिडिस्ट्रीब्यूटेड इक्विवेलेंट एनर्जी का ऑर्बिटल प्रोड्यूस होगा, वो ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल कहलाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये प्रोसेस, दिस इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन, और ये प्रोसेस हमारी कौन सी प्रोसेस कहलाती है? हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बात यह है, बार बार मैं कह रही हूँ कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, तो कौन कौन से दो एटॉमिक ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिर से एक बार एक्सप्लेन करके देखेंगे, अब इस पर थोड़ा सा समझ के देखेंगे। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज आर मिक्स टुगेदर ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन, जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, व्हिच मोस्टली इन्वॉल्व इन द मर्जिंग ऑफ टू ऑर्बिटल, उसमें जो होगा मर्जिंग होगी यानी कि मिक्सिंग होगी टू ऑर्बिटल की, और टू पी ऑर्बिटल और द मिक्सिंग ऑफ एन एस ऑर्बिटल विद एन पी ऑर्बिटल एज वेल एज एस ऑर्बिटल विद द डी ऑर्बिटल, उनमें जो मिक्सिंग होगी इंटरमिक्सिंग होगी एस ऑर्बिटल की पी ऑर्बिटल की डी ऑर्बिटल की। इंटरमिक्सिंग किसकी होगी? जैसे मैंने आपको बोला 1s 2s 2p 3s 3p 4s, इस तरह से हमें पता है कि अल्फा के रूल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल चलते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा 1s के इंटरमिक्सिंग नहीं होगी, 1s ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग या हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस। क्यों? क्योंकि 1s का इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल होने के लिए इक्विवेलेंट एनर्जी का कोई भी ऑर्बिटल नहीं है, 1s के पास 1p ऑर्बिटल नहीं होता है। सो ये हमारा इसका मतलब हो गया कि बॉन्डिंग में यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि हमारा 1s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब बात करते हैं 2s करता है नहीं करता है, 2s क्यों नहीं करेगा? 2s के पास 2p ऑर्बिटल भी होता है लेकिन 2d नहीं होता है। दैट मींस 2s और 2d ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस, 2p ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। बात करते हैं 3s 3p, 3s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? 3s और 3p, 3s 3p 4s के बाद क्या आता है? 4d ऑर्बिटल आता है। 4s के बाद आपके पास क्या कौन सा ऑर्बिटल आता है? 4d ऑर्बिटल आ जाता है आपका। 4s के बाद आपका क्या आता है? 4d, सॉरी 4s के बाद आपका ऑर्बिटल आता है आपका 1s 4s, और उसके बाद आपका ऑर्बिटल आता है 3d। ठीक है, 3d आता है। तो आप ये देख रहे हो कि हमारे पास जो जो ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होंगे, यानी कि 3s 3p 3s 3p के साथ जो बॉन्डिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होगी। आप यहाँ पर पहले बातों को समझिए, फिर आप जब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल एकदम सेट रहेगा कि जब इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस मोस्टली इन्वॉल्व मर्जिंग ऑफ टू ऑर्बिटल और टू पी ऑर्बिटल और द मिक्सिंग ऑफ एस ऑर्बिटल। एस के साथ किसकी मिक्सिंग होगी? पी की मिक्सिंग होगी। एस के साथ पी की मिक्सिंग होगी, साथ में डी की मिक्सिंग भी होगी कह रहा है। एस के साथ पी की मिक्सिंग कहाँ तक होगी? 2s 2p तक होगी। ठीक है, अब बात आते हैं 3 में। 3s में 3s होता है, 3p होता है, 3d ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है, यानी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 3s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल एज वेल एज s ऑर्बिटल विद द d ऑर्बिटल, साथ में d ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। किसमें? 3s में। क्यों? क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3d 4s के बाद क्या आ जाता है? 3d, यानी कि इंटरमिक्सिंग होने के लिए 3s के साथ उसकी एनर्जी सेल्स क्या होती है? 3d भी प्रेजेंट होती है। अगर 3s के साथ 3d प्रेजेंट है, सो दे आर इंटरमिक्सिंग एंड द प्रोड्यूस अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज नोन एज द हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब उनकी इंटरमिक्सिंग होगी तो जो ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा ऑर्बिटल कहेगा? आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जाना जाएगा, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा? टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, वो हमारा पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका मतलब क्या समझे? द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द कंपेरेबल एनर्जी ऑफ द मिक्स टुगेदर ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन, जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करता है उससे क्या बनता है? हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है, और उसमें मिक्सिंग ऑफ मर्जिंग ऑफ टू ऑर्बिटल ऑफ एस एंड पी एज वेल एस ऑर्बिटल विद द पी ऑर्बिटल एज वेल एज एस ऑर्बिटल विद द डी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की मिक्सिंग किसके साथ? डी ऑर्बिटल के साथ भी हो सकती है। एस की पी के साथ तो होती है, लेकिन सेम एनर्जी ऑर्बिटल के जब होंगे तो एस की मिक्सिंग क्या होगी? डी के साथ भी आराम से हो जाएगी। एस ऑर्बिटल की मिक्सिंग भी किसके साथ हो जाएगी? आराम से डी ऑर्बिटल के साथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन का रूल। अब आपके हाइब्रिडाइजेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं? देखिए फीचर्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, सम फीचर्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अकर बिटवीन, अब आपके जो फीचर्स है वो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन अकर बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल विद इक्वल एनर्जी। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस अकर बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल विद इक्वल एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल की इक्वल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच होंगी। इक्वल ऑर्बिटल, वही बात आ रही है, 1s के 1s ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि 1s के पास इक्वल एनर्जी का दूसरा कोई ऑर्बिटल होता ही नहीं है।
माइनस के बाद इक्वल एनर्जी का को कोई ऑर्बिटल नहीं होगा, इसलिए माइनस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स में होती है। सेकंड, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इक्वल द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट मिक्स। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो दो ही नंबर का दो एटॉमिक द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज फॉर्म। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे वो उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। यानी कि एस और पी अगर मिक्स होते हैं तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होने से दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर एस पी के साथ हम डी को भी इंक्लूड करते हैं, डी को भी इंक्लूड कैसे करेंगे, देखिए अगर आप एस पी के साथ डी को भी इंक्लूड करते हैं तो आपका जो ऑर्बिटल बनेगा एस पी और डी, एस पी डी यानी कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीन, तो तीन हाइब्रिड बनेंगे। ठीक है, अगर डी के आपको तो पता ही है पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है और डी ऑर्बिटल भी डायरेक्शनल होता है, तो पी हमारे कितने होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। अगर पी के तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर गए तो एस का एक, पी का तीन और डी का एक, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तीन और एक चार और एक पांच, तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके, पांच। यानी कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस समय, पांच आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पांच आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितने कितने ऑर्बिटल बनेंगे आपके, टोटल मिलाकर आपके पांच ऑर्बिटल बनेंगे। कहने का मतलब है जितने एटम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होगा। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ऑल हाफ योर ऑर्बिटल टेक पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको पहले बोला दिस इज नॉट कंपल्सरी रूल कि सारे हाफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में हाफ ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट करते हैं, ये तो रूल होता ही है, लेकिन दिस इज नॉट ए कंपल्सन, ये कंपल्सन नहीं है, क्योंकि कई बार एक्सेप्शनल केस डेवलप हो जाते हैं एंड लोन पेयर टेकिंग पार्ट इन द बॉन्डिंग ऑल्सो। ओके, इवन द हाइब्रिड इवन ऑर्बिटल्स दे आर कंप्लीटली फिल्ड बट दे हैव स्लाइटली वेरिंग द एनर्जी दे कैन पार्टिसिपेट। अगर वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो हो सकता है इवन ऑर्बिटल दे आर कंप्लीटली फिल्ड, अगर ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है दे हैव स्लाइटली वेरिंग द एनर्जी कैन पार्टिसिपेट, और उसकी एनर्जी समान है, समान क्योंकि रूल ये होता है कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस क्या होता है, सेम एनर्जी के इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स में होते हैं। अगर उनकी एनर्जी समान है और वो हाफ फिल्ड है भी तो ये कंपल्सन नहीं है कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, हो सकता है क्योंकि उस समय वो पार्टिसिपेट ना करे, बट अगर वो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है हैविंग ए स्लाइटली एनर्जी दे कैन पार्टिसिपेट, तो वो उस समय क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, किसमें, बॉन्डिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये हार्ड एंड फास्ट कोई कंपल्सन रूल नहीं है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। रूल नंबर फोर देखिए, हाइब्रिडाइजेशन अगर ओनली ड्यूरिंग बॉन्डिंग फॉर्मेशन नॉट इन द सिंगल गैसेस एटम, हाइब्रिडाइजेशन अगर ओनली ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन नॉट ए सिंगल गैसेस एटम, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में जो बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है नॉट ए सिंगल गैसेस एटम, एक सिंगल गैसेस एटम में नहीं होती है, अगर ओनली ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, केवल बॉन्ड का निर्माण होता है सिंगल गैस एटम के बीच में ये प्रोसेस नहीं होती है। इफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स इज नोन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी प्रेडिक्टेड। अगर हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आप कंफ्यूज मत होइए बार बार, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हो गया मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल एंड टू गिव्स द न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो अगर वो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स कैन बी प्रेडिक्टेड द शेप ऑल्सो, मॉलिक्यूल्स क्या देंगे, एक नया शेप का निर्माण भी करेंगे, एक नए शेप को भी देंगे। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होने के साथ साथ मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग तो होती है, लेकिन वो साथ साथ मॉलिक्यूल्स कैन देन प्रेडिक्टेड द शेप ऑल्सो, वो अपना शेप भी डिफाइन करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि दोनों ने मिक्स करा उनका शेप वही रहेगा, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप भी उन्हीं के हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रेडिक्टेड होता है। रूल नंबर सिक्स, द लार्ज लोब ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हाइल द स्मॉलर लोब ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑलवेज नेगेटिव। जब हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है तो ऑर्बिटल में जो लार्ज लोब जो होता है, लार्जर लोब ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज पॉजिटिव, जो बड़ा लोब होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है पी एक्स पी वाई पी जेड होता है तो एक पॉजिटिव लोब होगा, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव लोब होगा, तो जो बड़ा लोब होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो
स्मॉलर लोब्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑलवेज नेगेटिव, जो स्मॉलर लोब होगा हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा, इसका वैसे हाइब्रिडाइजेशन में कोई यूज नहीं होता है, दिस इज ओनली रूल फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। तो आप कंक्लूजन समरी ये समझे कि हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्स होना है, और जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो उनके द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है और उनकी एनर्जी लगभग लगभग क्या होती है सेम होती है। एनर्जी सेम होने के साथ साथ वो एक शेप भी डिफाइन करते हैं, दे ऑल्सो प्रेडिक्टेड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, लेकिन वो शेप डिफाइन करते हैं तो इस आधार पर हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपने कहा उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के निर्माण होने के साथ साथ उनका शेप भी डिफाइन होना बहुत जरूरी है। तो उनका शेप कैसे होता है हम डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है केमिस्ट्री में वो कितने टाइप की होती है, वो होती है आपकी sp2 sp3 कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैंने sp3 sp2 sp3d sp3d2 and sp3d। कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक s ऑर्बिटल होता है, वेल नोन है, p ऑर्बिटल px py pz, यानी कि कितने p हो गए, 3 p हो गए, चाहे वो 2s का हो चाहे वो 3s का हो। ओके, अगर ये 1s तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, बात फर्स्ट क्लियर कर दी मैंने आपको, 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता है ऑन द बेसिस ऑफ रूल, क्योंकि 1s के पास अपना 1p ऑर्बिटल नहीं होता। सो और हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होने के लिए सेम एनर्जी ऑर्बिटल का होना का रूल कंपल्सन है। तो 2s है तो s के पास एक ऑर्बिटल और p के कितने होगा 3, तो कहां तक जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, sp पहला बोला मैंने sp, यानी कि एक s ऑर्बिटल इसके एक p ऑर्बिटल, दूसरा sp2 एक s ऑर्बिटल इसके दो p ऑर्बिटल, ठीक है, sp2 हो गया एक ऐसा ऑर्बिटल इसके 3p ऑर्बिटल, तो कहां तक गए sp3 तक गए। उसके बाद यू नो दैट हमारे पास d ऑर्बिटल भी होते हैं, d ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे कितने पार्ट्स में होते हैं, हमारे 5 पार्ट्स में डिविजिबल होते हैं। तो जो हमारे d ऑर्बिटल 5 पार्ट्स में डिविजिबल है, तो ये देखिए 5 पार्ट्स में डिविजिबल होने के कारण ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया, एक s 3p sp3 यहाँ तक तो कॉमन है, उसके बाद एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो sp3d, एक s 3p दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो sp3d2, तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे sp3d3, ठीक हो गया। ये लास्ट के दो ऑर्बिटल डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, ये आपको बाद में डिस्कस किया जाएगा क्यों ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन समझाऊंगी। आज तो केवल रूल समझा रही हूँ, क्योंकि इसको समझाने के लिए पूरे बेसिक फैक्ट को स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करा पड़ेगा। सो हमारे इससे आप क्या समझे कि जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है वो ओनली कितने टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5 and 6, टोटल टाइप के हाइब्रिडाइजेशन कितने होते हैं हमारे, 6 टाइप के होते हैं। और ये हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं जितने टाइप के होते हैं उसी के आधार पर उनके शेप डिफाइन होते हैं। जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका शेप क्या होगा, लीनियर होगा, उनका शेप क्या होगा, लीनियर होगा, एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप एंड द ऑर्बिटल एंगल इज 180। अगर वो लीनियर होगा, लीनियर का मतलब लीनियर, दिस वन इज अ लीनियर, तो ये बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है 180 है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे समझ में आएगा एक लाइन दिख रही है, लाइन में ये एंगल कितना दिखेगा 180 दिखेगा, सो दैट एंगल शुड बी व्हाट, दिस एंगल क्या होगा 180 होगा। दूसरा मैंने बोला सेकंड टाइप का, अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, अगर 3 इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन, 3 पार्टिसिपेट करते हैं, एक s हो गया p के दो हो गए, टोटल मिला के कितने हो गए 3 हो गए, 3 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका जो बॉन्डिंग उनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2 हो गया, 1 और 2 1 3, तो इस समय उनका बॉन्डिंग कितना होगा 120, 3 ऑर्बिटल, तो ये उनका जो बॉन्डिंग आता है हम ये देखते हैं, तो ये हमारा बॉन्ड एंगल कितना आता है, लगभग 120 आता है, तो हमारा इसका बॉन्ड एंगल कितना हो गया आपका 120 होता है, ठीक। तीसरा आपका है द टेट्राहेड्रल, तीसरा होगा टेट्राहेड्रल 4 इलेक्ट्रॉन टेकिंग ग्रुप इन द हाइब्रिडाइजेशन, 4 कैसे कह रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, एक s का हो गया आपका, एक s ऑर्बिटल हो गया, p के 3 हो गए, तो 1 और 3 टोटल मिला के कितने हो गए आपके 4, 4 ऑर्बिटल, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा, तो उसका ज्योमेट्री कैसे कहलाती है, टेट्राहेड्रल कहलाती है, और उस समय उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5, दैट इज द फिक्स्ड वैल्यू, आप इनको याद करे रखिए तो नेक्स्ट आगे आपको पढ़ना ही रहेगा। फोर्थ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कहलाता है, जब 5 इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, 5 का मतलब होगा एक एस का ये दिख रहा है, पी के 3, 3 और 1 4 और 1 डी ऑर्बिटल 5, एक एस ऑर्बिटल 3 पी के ऑर्बिटल 1 डी का, टोटल मिला के कितने हो गए 5, 5 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में क्या कर रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने ऑर्बिटल कर रहे हैं 5, आपके 5 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में क्या कर रहे हैं आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी ज्योमेट्री क्या कहलाती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री आपकी क्या कहलाती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके।
और उस समय उसका बॉर्डिंग एंगल होता था 90 और 120, दो एंगल दिखा रहे हैं, सात चीजें आपको समझा जाएगी, ये रूलों को याद रखिएगा बस, ये इसका बॉर्डिंग एंगल कितना होता है 90 और 120। फिफ्थ आ रहा है आउटर ऑर्डर, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप इन्वॉल्व, सिक्स इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप यानी कि एक एस ऑर्बिटल दिख रहा है आपको, एक एस ऑर्बिटल पी के कितने हो गए तीन, पी के तीन हो गए, दो डी के हो गए, टोटल कितने हो गए तीन और दो पांच और एक कितना हो गए छह, इसका आंसर कितना आ रहा है सिक्स, सिक्स का मतलब कौन सा हो गया ऑक्टेट, ठीक है। और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 90, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 90, और इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं ऑक्टेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन उठता है कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, आपको कैसे समझ में आएगा कि किसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, आप बड़ा कंफ्यूज होंगे कि किसमें इतने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उन हाइब्रिडाइजेशन के रूलों को आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा शॉर्ट ट्रिक से, या आप सबसे पहले उस चीज को समझाने के लिए आप इस रूल को याद रखिए कि एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा ये वाले रूल को, कि अगर दो टू आ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा लीनियर होगा, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, तीन आ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कितना होगा, उसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, चार आ रहा है तो उसमें कैसा रूल होगा, उसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हमने बोला चार आ रहा है तो टेट्राहेड्रल हो गया, पांच आ रहा है ट्राइगोनल पिरामिडल बाइपिरामिडल हो गया, पांच छह हो गया तो क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल, ठीक। तो इन सब रूलों को याद रखिए, उसके बाद आपको क्लियर किया जाएगा कि किस टाइप से हाइब्रिडाइजेशन होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।